नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की मुनादी हो चुकी। अब सभी राजनीतिक दल जो हैं वो लगातार हर वो जोर आजमाइश अपना रहे हैं ताकि वोटरों को अपने पक्ष में किया जाए। इसी सिलसिले में आज राजद की ओर से एक घोषणा पत्र जारी किया गया, उसे संकल्प पत्र के तौर पर दिया गया और कहा गया कि ये जो संकल्प हम आज ले रहे हैं उसे अगर हमें आपका आशीर्वाद मिला और हम चुनाव जीत गए तो हम इन सभी वादों को पूरा करेंगे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर पूरी तरीके से हमलावर दिखे। उन्होंने विशेष राज्य का दर्जा को लेकर बहुत सारी बातें नीतीश कुमार को लेकर कही और इसके साथ ही वो इतने ज़्यादा गुस्से में आ गए कि उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी बात कर दी। अब उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात क्यों की है वो हम आपको बताते हैं। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। कोई डोनाल्ड ट्रंप तो आके नहीं देने वाले हैं यहाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तब भी नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिलवा पाए। नीतीश पर तेजस्वी यादव इस कदर हमलावर थे कि उन्होंने अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र कर डाला। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि डोनाल्ड ट्रंप तो अमेरिका से आकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे देंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फिर भी पिछले 15 वर्षों से राज्य में शासन कर रहे मगर बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप बिहार आ पाएंगे? इससे पहले अपने घोषणा पत्र जारी कर तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बड़ा ही शुभ दिन है, नवरात्र की शुरुआत है, कलश की स्थापना की गई है। कलश स्थापना के दिन संकल्प लिया जाता है, हम प्रण हमारा संकल्प बदलाव का जारी कर रहे हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में ही 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी और फीस माफी की भी घोषणा होगी। इसके अलावा महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए सरकार किराया देगी, साथ ही शिक्षकों के लिए समान वेतन का वादा भी पूरा किया जाएगा। तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे पहले कैबिनेट में। दूसरी बात, हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ़ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। एक लॉकडाउन के समय आप लोगों ने देखा जितने हमारे श्रमवीर थे किस हालात में थे, फंसे हुए थे। अभी भी कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है और अभी भी आप देख सकते हैं, हम तो दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग जो हैं दिल्ली बॉम्बे फ्लाइट से बल्कि लोग वापस जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों की हालत आप लोगों से छुपी नहीं है। हम लोगों को संकल्प लेना है कि पलायन रोकना है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के हम लोग जो है कर्पूरी श्रम वीर सहायता केंद्र पूरे देश में हर जगह खोलेंगे, जहां कभी भी कोई आपदा आएगी तो उन मजदूरों के देखभाल के लिए, सेवा के लिए वो चीज़ किया जाएगा। चौथी बात, नियोजित शिक्षकों के लिए जो हम लोगों ने बात की थी कि उनकी बड़ी लंबे समय से डिमांड रही है कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, इसको हम लोग जो है पूरा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पुल पुलिया एक्सप्रेसवेज जो हैं वर्ल्ड क्लास हों, इस पे हम लोगों का पूरा ध्यान रहेगा। आप सब लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, जब हम डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम पथ निर्माण विभाग हमारे पास था। अभी तक कुछ समय तक पटना एयरपोर्ट कहाँ नया बनेगा ये तय नहीं हुआ था। हमारी कैबिनेट ने वो तय किया था कि बीटा का जो एयरपोर्ट है उसको हम लोग परमानेंट पटना का एयरपोर्ट बनाएंगे। उस समय हम पथ निर्माण विभाग मंत्री थे, हमने बजट में भी इस चीज़ को इंक्लूड किया था कि मॉडर्न एक्सप्रेसवे जो होता है डेडिकेटेड टू एयरपोर्ट वो हम लोग जो हैं उसकी शुरुआत करेंगे। तो वैसे कई एक पुल पुलिया बड़े एक्सप्रेसवेज जो हैं वो हम लोग काम देखेंगे। बता दें कि पटना के एक होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत वाम दलों के प्रमुख नेताओं के साथ साझा घोषणा पत्र को आज जारी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ से आज घोषणा पत्र जारी कर दिया गया और तेजस्वी यादव ने उस दौरान भी नीतीश कुमार को खूब घेरा, बहुत सारे तंज कसे, बहुत सारी बातें की और इसके साथ ही ये बताया कि अगर हम बिहार की सत्ता में आते हैं, हमारी वापसी होती है, हमें अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो हम आज जो भी संकल्प ले रहे हैं उसे ज़रूर पूरा करेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जो युवा हैं उनके बारे में बहुत सारी बातचीत की, कहा कि जब हम पहली कलम से अगर सिग्नेचर करेंगे तो 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र तक जाते हैं उनकी जो किराए होते हैं वो किराया भी सरकार भरेगी। ये तमाम वादे तेजस्वी यादव ने आज किए हैं और कहा है कि आज नवरात्र का शुभ दिन है, आज कलश स्थापना की जाती है और संकल्प किया जाता है और आज हम भी आप लोगों से संकल्प करते हैं और ये वादा करते हैं कि ज़रूर ही इस वादे को हम पूरा करेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने नीतीश कुमार को एक बात बड़े ही गुस्से में कह दी कि क्या डोनाल्ड ट्रंप बिहार आकर के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके ऊपर नीतीश कुमार की ओर से क्या पलटवार होता है, क्या कुछ वो बताते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।